थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके सो वी आर स्टार्टिंग विथ ईटीएल बेसिक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग ग्लू लेंगे। तो व्हाट इज ईटीएल, ठीक है। मैंने अभी पूछा था आपको, ईटीएल बराबर बताया मोस्ट ऑफ द लोगों ने, इस एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड, लेकिन इसमें स्पेसिफिक्स होते हैं राइट। ऐसे तो है नहीं कि एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ नहीं, सिर्फ जेडीबीसी कनेक्शन करना है, ऐसा तो है नहीं। या फिर ट्रांसफॉर्म मतलब स्पार्क की स्क्रिप्ट लगानी है, ऐसा तो है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी चीजें आती है। लोड मतलब सिर्फ लोड करना है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो इंट्रिकसीज है वो देखेंगे हम लोग। तो स्टार्टिंग विथ ईटीएल, ईटीएल क्या है, एक डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस है यूज टू कलेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इनटू टारगेट डेटाबेस और अ डेटा वेयरहाउस, ठीक है। सो व्हेन यू आर सेइंग ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम ऑन प्रेम और एनी डेटा डेटाबेसेस टू डेटा वेयरहाउस, नॉट ऑलवेज, ठीक है। बहुत ETL पाइपलाइन में S3 acts as a destination also. There is DynamoDB which can act as a destination also. DynamoDB do act as a source also. ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक जो सिस्टम है आपके डिपेंड मतलब आपके यूज केस पे डिपेंड करता है कि कैन दैट बी यूज्ड एज अ सोर्स, कैन दैट बी यूज्ड एज अ डेस्टिनेशन। अगर आपका अभी डेटा DynamoDB में है एंड यू वॉन्ट दैट डेटा फॉर एनालिटिकल पर्पजेस इन टू रेड शिफ्ट, तो आपका सोर्स हो गया DynamoDB और आपका डेस्टिनेशन या टारगेट हो गया रेड शिफ्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डेटा वेयरहाउसेस ही टारगेट मतलब ETL का लोडिंग पार्ट डेटा वेयरहाउसेस में होता है, ऐसा नहीं। डेटा लेक्स में भी होता है, S3 से भी बहुत लोग क्वेरी करते हैं। मतलब आपके बहुत सारे टूल्स है जो S3 से पिक कर सकते हैं। क्विक साइट भी तो S3 से क्वेरी कर सकता है वो, ठीक है। तो डेटा लेक भी एज अ टारगेट यूज होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ETL इज दिस थिंग, ठीक है। तो इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है, कॉम्पोनेंट्स मतलब वी विल डिग डीप इन टू वॉट इज एक्सट्रैक्ट, वॉट इज ट्रांसफॉर्म एंड वॉट इज लोड। तो एक्सट्रैक्ट में दो कॉम्पोनेंट है, एक है डेटा एक्सट्रैक्शन, वॉट डज इट मीन, तो जो सोर्स सिस्टम से डेटा है वो रिट्रीव करना। तो वॉट आर दो सोर्स सिस्टम, हियर यू कैन सी डेटाबेसेस। डेटाबेसेस मतलब आपके जनरली RDBMSs, ठीक है। जो क्या है एग्जाम्पल उसके, डेटाबेसेस के अलग अलग डेटाबेस प्रोवाइडर्स के, कोई बता सकता है, किसी को नहीं पता है क्या? MySQL, ओरेकल, MongoDB, ओके, ओरेकल, Oracle, ओरेकल, यस। और इतना ही बताए, IBM, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, पोस्टग्रेस सिक्वल, और IBM, सॉरी, Teradata, यस, टेरा डेटा। SQLite. टेरा डेटा डेटाबेस है, आई एम नॉट श्योर। टेरा डेटा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग का ये है ना, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन। मुझे नहीं पता है टेरा डेटा डेटाबेस है, ठीक है। तो यू हैव टू चेक वंस। टेरा डेटा नॉर्मली ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के लिए यूज होता है, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन AWS में सर्विस है, वेयर यू कैन यू कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर और टेम्पलेट्स ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। यू कैन प्रोविजन इट टूगेदर एंड वेन द यूज केस गेट्स ओवर यू कैन डी प्रोविजन इट टूगेदर। तो टेरा ओके टेरा डेटा बोल रहे हो, टेरा फॉर्म सुना, ओके टेरा डेटा, हाँ टेरा फॉर्म, फॉर्म हाँ, रिक्वायरमेंट सॉरी, यस 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 टूल राइट राइट राइट, था, मैंने ना टेरा फॉर्म सुना, ठीक है। टेरा मेरा डेटा इज अ डेटाबेस, ओके, ठीक, राइट। डेटाबेसेस हो गए ये, फ्लैट फाइल्स। फ्लैट फाइल्स कौन कौन से होते हैं फिर? फ्लैट फाइल्स क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट फाइल हो सकती है आपकी, CSV फाइल हो सकती है, या फिर अदर फाइल फॉर्मेट्स। मतलब फ्लैट फाइल नहीं बोलेंगे आप, लेकिन फाइल्स तो बोल सकते हो उसको। जेसन XML हो सकते हैं, YAML भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, और कोई फाइल फॉर्मेट बचा है? जेपेग, पीएनजी वगैरह. वो तो हाँ इमेजेस है, ठीक है, हाँ वो भी, लेकिन उस पर क्या प्रोसेसिंग करोगे? हाँ ठीक है,
बोल सकते हो, लेकिन फाइल फॉर्मेट बोल रहा हूँ मैं, तो पार्के फाइल। पार्के फाइल और पार्क, पार्क में पड़ा होगा आप, एवरो, ORC, उसने और कुछ अरे एवरो हो गया, ORC हो गया, और क्या है, कोई है बचा है? आई डोंट थिंक सो। हाँ APIs, APIs क्या होते हैं पता है? API पता है क्या? आपने एक प्रोजेक्ट किया है अभी API का या अर्थक्वेक वाला, तो API पता होना चाहिए क्या है? सर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशन सर। हाँ तो इस केस में क्या होगा बताओ, मतलब एक्सट्रैक्शन के सेंस में क्या मीनिंग है उसका? टू एप्लीकेशंस एक्सचेंज द डेटा बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्वेरीज। ठीक, हाँ ओके राइट। मतलब वो सिर्फ API URL से आप डेटा फेच कर सकते हो, ठीक है, इफ यू हैव परमिशंस, राइट, करेक्ट ऑथेंटिकेशन होगा तो यू विल बी एबल टू फेच द डेटा, ठीक है। और क्या है, और क्या हो सकते हैं डेटा सोर्सेस, और क्या हो सकते हैं, एनीवन अदर रिपोजिटरी में क्या आ सकता है? जो बहुत सारे प्रोवाइडर्स है यार जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, लाइक सेल्सफोर्स एक है, और कोई एग्जांपल जो भी काम कर रहा है या फिर जिसने कुछ भी इसका नॉलेज है बताओ। Even S3 can be another data source. क्या क्या? S3 can be another data source. यस यस S3 कैन बी, यस लेक, हाँ मतलब डेटा लेक्स बोल सकते हो इसको। हाँ और कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग, किसी को ऐड करना है कुछ इसमें? डेटा मार्ट्स कैन वी से डेटा मार्ट्स ठीक है ना, एज डेटा वेयर हाउस बोल सकते हो, डेटा वेयर हाउस बोल दो ना। डेटा मार्ट एक लॉजिकल एंटिटी है ना, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बोलने के लिए तो कुछ भी बोलोगे, टेंशन नहीं है कुछ। डेटा वेयर हाउस, और कोई है? ठीक है चलो, इतने हैं, बहुत हो गया। ये सब चीजें ना आप जब प्रोजेक्ट करोगे ना तब ये सब चीजें ध्यान में रखना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू वर्क फॉर योर प्रोजेक्ट, तब ये सी चीजें ध्यान में रखना कि डेटा सोर्सेस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल डेटा सोर्सेस, हाउ डू यू मतलब आपके डेटा को अंडरस्टैंड करना है तो विच टाइप ऑफ बिजनेस यूज केसेस है, विच टाइप ऑफ डेटा सोर्सेस, वो सब आपको स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। आखिरी में ये चेंज डेटा कैप्चर क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज डेटा कैप्चर? नहीं Whatever the changes we have made, only that will be means from your definition, only that much is understanding. नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट माई डेफिनेशन, टेल मी विथ योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बाकी कोई और जो स्पार्क में पढ़ा है वो बताओ। नहीं SCD पढ़ा है क्या? सर ओएल हाँ पढ़ा है बोलो बोलो। एससीडी के टाइप में आ सकता है सर ये। नहीं टाइप में नहीं, चेंज डेटा कैप्चर जनरली ना स्ट्रीमिंग डेटा के लिए हम लोग या फिर रियल टाइम डेटा के लिए यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल टाइम डेटा को ही एसोसिएट करते हैं, लेकिन जनरली ऐसी कोई भी चीज जहां पे आप इंक्रीमेंटल लोड हैंडलिंग कर रहे हो ना उसको आप चेंज डेटा कैप्चर बोल सकते हो। इट इज लेकिन सिमिलर टू एसीडी टाइप वन राइट। नहीं कोई कोरिलेशन मत बनाओ अभी के लिए, अगर आपको लगता है ट्राई टू फाइंड इट आउट ऑन योर ओन, ठीक है। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ कि ऐसा कोई कोरिलेशन है, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है, ठीक है। तो चेंज डेटा कैप्चर एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट इंक्लूड्स मेनी थिंग्स, अगर कोई डेल्टा लेक में भी आप DML से ये कर रहे हो ना
और वो भी चेंजेस अगर कैप्चर कर रहे हो उसको भी चेंज डेटा कैप्चर बोल सकते हो, नॉट जस्ट इन योर आरडीबीएमएस सिस्टम, ठीक है, इन वॉट एवर सिस्टम यू आर यूजिंग एज अ सोर्स, ठीक है, उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं यू वॉन्ट इट टू रिफ्लेक्ट इन द टारगेट सिस्टम. तो द वे यू आर कैप्चरिंग दोस चेंजेस उसी हम लोग सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम या आर्किटेक्चर को चेंज डेटा कैप्चर बोलते हैं. तो अगर एक नॉर्मल आरडीबीएमएस सिस्टम है उसमें डेटा अपडेट हो रहा है, रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो इंक्रीमेंटल लोड हैंडलिंग भी कर रहे हैं ना वो भी एक चेंज डेटा कैप्चर का एग्जाम्पल है. समझ में आया सबको? किसी को ऐसा किसी को नहीं समझ में आया क्या? क्या नहीं समझ में आया? रुको रुको, मैं ना मैं आप हैंड रेस करो, करा करो, ठीक है, हैंड्स डाउन करो अभी के लिए. हाँ, किस जिसको समझ में आया वो हैंड रेस करो. क्या नहीं समझ में आया ये तो बताओ. इंक्रीमेंटल लोड हैंडलिंग पता है? यस सर. हाँ पता है. यस सर. तो चेंज डेटा कैप्चर में क्या डिफिकल्टी आ रही है? वो एक एग्जांपल है उसका, इंक्रीमेंटल लोड हैंडलिंग. मैं बोल रहा हूँ कि देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज वेयर यू कैन परफॉर्म और यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज डेटा कैप्चर. ये एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई स्पेसिफिक इसमें डिटेलिंग नहीं है, ठीक है, एक क्या बोल सकते हो कोई भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये, कि कोई भी डेटा चेंज हो रहा है तो उसको कैसे कैप्चर करना है, उसको चेंज डेटा कैप्चर बोलते हैं. इसमें क्या ना समझने वाली क्या बात है इसमें, ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वो है इंक्रीमेंटल लोड हैंडलिंग. कि आज अगर समझो 1000 रिकॉर्ड है, अब भी मेरी सिस्टम रनिंग है, ठीक है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरी सिस्टम रनिंग है, आज 100 रिकॉर्ड ऐड हुए हैं. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू सी फाइंड मिसिंग रिकॉर्ड्स इन माई टारगेट विच आर देयर इन सोर्स, ठीक है. टारगेट और सोर्स में जो मिसिंग रिकॉर्ड है वो मेरा हो गया इंक्रीमेंटल लोड, राइट? मेकिंग सेंस? अगर आपका इंक्रीमेंटल लोड डेट वाइज नहीं है, समझो मिनट वाइज आर वाइज ऐसा है, तो आप मिनट वाइज आर वाइज पार्टीशन नहीं कर सकते या फिर फिल्टर नहीं लगा सकते. उस केस में यू फाइंड द मिसिंग रिकॉर्ड्स इन टारगेट विच आर देयर इन सोर्स. इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंक्रीमेंटल डेटा हैंडलिंग, राइट? अभी किसको नहीं समझ में आया अब तक चेंज डेटा कैप्चर क्या है? ये पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है कि आइडेंटिफाइंग एंड कैप्चरिंग ओनली द चेंज डेटा सिंस द लास्ट एक्सट्रैक्शन टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी. नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक्सप्लेन करना है. नहीं सर, आ गया. एड्रेस करो, एड्रेस करो, आ गया. ठीक है, फिर आया है तो ठीक है. यार बोलते नहीं हो ना कोई, तो फिर ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है इतनी सिंपल चीज के लिए. अगर ठीक है, चलो ये हो गया एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन में क्या है, तो रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम योर सोर्स. तो रिट्रीव करना है मतलब कनेक्शन बनाना है, ठीक है. तो आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस में क्या आता है वो, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है. तो दिस इज पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन. ट्रांसफॉर्म में क्या आता है, ट्रांसफॉर्म में आता है डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनरिच. ये चीजें आप मुझे समझाओगे, मैं आपको नहीं समझाऊंगा. ये स्पार्क का पार्ट है, यू विल मेक मी अंडरस्टैंड डेटा क्लीनिंग क्या होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और डेटा एनरिचमेंट क्या होता है. आई विल एड वैल्यू टू योर आंसर, ठीक है. तो अगर कोई मिस करते हो कोई चीज है, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ठीक है. लेकिन ये मुझे आपसे आंसर चाहिए, डेटा क्लीनिंग क्या होता है बताओ. रुको, मैं ना रैंडमली पूछता हूँ. अभी सबने स्पार्क पढ़ा है, अभी क्या होता है, मनाली बोरा थे, बताओ डेटा क्लीनिंग क्या होता है. यस सर. डेटा क्लीनिंग में सर हम जो
if you want to remove special characters. ओके यस यस या फिर हमें जो null values replace करने रहते या फिर remove करने रहते वो data cleaning में आता है. right exactly. और मतलब data cleaning में क्या आता है? जो unwanted data means जो useful नहीं है वो हम remove करते हैं. करेक्ट. आप regular expression वगैरह use करके भी कर सकते हो कि yes sir what are the only useful components, उतने ही रखने हैं बाकी के सारे ड्रॉप करने हैं. ठीक है, वो सब डेटा क्लीनिंग में आ जाता है. ठीक है. यस सर. हाँ, तो रिमूविंग इनकंसिस्टेंसीज, इनएक्यूरेसीज, वो सब चीजें भी आ जाती है डेटा क्लीनिंग में. आप ट्रिम करते हो कुछ चीजें या फिर स्ट्रिप करते हो बहुत से अगर व्हाइट स्पेसेस है, वो भी आता है डेटा क्लीनिंग में. ठीक है, क्योंकि आप अपने डेटा सेट को मोर प्रेजेंटेबल और क्या बोल सकते हो, इनसाइटफुल बना रहे हो. ठीक है, तो वो आता है डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. सबको समझ में आया डेटा क्लीनिंग क्या है? यस सर. तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन समझाओ तो को मैं पूछता हूँ किसी को. मुझे ना सिंपल आंसर देना. ठीक है, कॉम्प्लिकेट मत करना, बस घुमाओ मत आंसर. जैसे अभी इन्होंने बताया इसके पहले डेटा क्लीनिंग के बारे में, वैसे बताओ आंसर. शुभम कुमार, कैन यू टेल मी व्हाट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन? यस सर. हाँ बोलो. मींस जो फॉर्मेट सुटेबल है, मतलब टारगेट सिस्टम में जाने के लिए, वो उसमें हम ट्रांसफर करते हैं. लाइक मींस डेटा क्लीनिंग इट आल्सो इंक्लूड डेटा क्लीनिंग एंड डेटा इंटीग्रेशन. ये जो लिखा है आपने वो बताया, मुझे एग्जांपल बताओ ट्रांसफॉर्मेशन. यार इतना पता है मुझे, पता है कि आपको ये पता है. ठीक है, तो बस आप बताओ मुझे कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट ऑल थिंग्स यू परफॉर्म इन दिस लेयर? स्पार्क में क्या करते हो ये तो पता है आपको. यस सर. क्या करते हो स्पार्क में? फंक्शंस यूज करके हमें जिस जिस तरह चाहिए उस तरह हम चेंज करते हैं. लाइक डेटा टाइप जो चाहिए वो करेंगे. क्या क्या चाहिए? लाइक चेंजिंग द डेटा टाइप. चेंजिंग द डेटा टाइप. एग्जैक्टली यस. डेटा टाइप चेंज और चेंज नल वैल्यू टू जीरो इफ यू वांट टू. ओके, नल रिप्लेसमेंट. नल रिप्लेसमेंट ओके. और लाइक दिस एंड ऑल्सो means I just remember. रिमेम्बर का नहीं है मतलब. देखो आपने जो जो स्पार्क में किया है ना, वो सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन में आती है. फिल्टर ऑपरेशन यूज किए है. फिल्टर. यस मींस आल्सो फाइल कन्वर्टिंग. यस यस ठीक है. फिल्टर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है. डेट फॉर्मेट चेंज किया है कभी? कर सकते हैं लेकिन अभी किया नहीं. मैं कर सकते हो. डेटा स्टैंडर्डाइजेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ठीक है, अगर आपको लगता है कि समझो अभी एक करेंसी टेबल, करेंसी कॉलम है. ठीक है, करेंसी कॉलम में अलग अलग क्या बोलते हो, अलग अलग कंट्रीज की करेंसी में वहां पे वैल्यूज है. इफ यू वांट सर्टेन स्टैंडर्डाइजेशन एंड यू वांट वैल्यूज इन डॉलर्स, तो उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, केस लगाओगे राइट? यस. ठीक है, केस लगाओगे या फिर वेन अदरवाइज होता है इसमें स्पार्क में. वेन अदरवाइज होता है. हाँ, वो लगाओगे और उसको कन्वर्ट करोगे राइट? तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. उसको डेटा स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं. यस यस. अगर कोई वेट कॉलम है, किसी का वेट पाउंड में है, किसी का वेट केजी में है, किसी का वेट और कोई वेइंग स्केल सिस्टम होंगी उसमें है. यू वॉन्ट स्टैंडर्डाइज. ये जब डैशबोर्ड बनाते हो ना, आपके आपके डेटा का फाइनल ऑब्जेक्टिव डैशबोर्ड बनना है. ठीक है, तो डैशबोर्ड में देयर हैज टू बी अ स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, तो उसके लिए डेटा स्टैंडर्डाइजेशन भी करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म. ठीक है, और क्या होता है, और क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में? ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल ऐसे आने चाहिए यार, फटफट आने चाहिए. बताओ. वी कैन से ग्रुप बाय आल्सो. मतलब स्पेसिफिक, मतलब यूज केस बताओ.
फंक्शन के नाम सी एस वी टू डेटा फ्रेम कन्वर्ट करते हैं लाइक वो ट्रांसफॉर्म, सेपरेट। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ उसमें? डेटा फ्रेम पे जो ऑपरेशन करोगे वो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? वो तो रीड हो गया ऑपरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है? जैसे फ्लैटिंग ऑफ कॉलम्स किया था, टेबल्स बाय क्या क्या फ्लैटिंग फ्लैटिंग ऑफ कॉलम्स विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरेटर। ऑफ कॉलम्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इफ यू हैव मल्टीपल वैल्यूज इन पर्टिकुलर कॉलम यू कैन एक्सप्लोर इट। ठीक है, ये हो गया फ्लैट। मतलब आप इसको क्या कर रहे हो, ये डीनॉर्मलाइज है उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो, राइट? यस सर। आर यू श्योर? सोचो सोचो, व्हाट इज डीनॉर्मलाइज, व्हाट इज नॉर्मलाइज? मैंने क्या बोला, एक्सप्लोड ऑपरेशन इज कन्वर्टिंग डीनॉर्मलाइज टू नॉर्मलाइज डेटा। ठीक है, बराबर ही है ना? अरे बोलो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बराबर ही है यार वो। ठीक है, इफ यस यू सर। आर कन्वर्टिंग, क्या नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन पता है ना सबको? यस सर, फ्लिटिंग पर्टिकुलर नॉर्मलाइजेशन कॉलम में डेटा इनटू रिडंडेंसी ज्यादा होती है या पर्टिकुलर। डीनॉर्मलाइजेशन में, ये बता दो बस। डीनॉर्मलाइजेशन ज्यादा होती नो नो नो, नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा होती है ना? होती है। यस, डेटा रिडंडेंसी। आर यू श्योर? बताइए। डीनॉर्मलाइज में डेटा रिडंडेंसी ज्यादा होती है सर, ज्यादा होती है सर। नॉर्मलाइजेशन में डेटा यस रिडंडेंसी यस, कम होती है, कम होती लेकिन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली टेबल जो टेबल ज्यादा होते हैं नॉर्मलाइजेशन में। यस, राइट राइट। तो आप रिडंडेंसी रिड्यूस करने के लिए ही तो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, राइट? उसी के लिए यस कर रहे हो सर। ना। यस सर। तो डीनॉर्मलाइज डेटा का फायदा क्या होता है? इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजिंग द कॉम्प्लेक्स जॉइन ऑपरेशंस। नो, बिकॉज ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन क्वेरी फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूव डेटा होता वी है सर। कैन रिट्रीव फास्ट, मीन फेच यस, ऑफ क्वेरी फेचिंग ऑफ परफॉर्मेंस डेटा इज इंप्रूव वेरी होता फास्ट। है। यस यस यस, क्योंकि आपको अगर नॉर्मलाइज डेटा है, चार टेबल है, उसको ज्वाइन लगाना है। ज्वाइन एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, राइट? इट विल टेक टाइम। अगर एक यस ही टेबल में डेटा है तो इट विल टेक लेस टाइम। तो क्वेरी क्वेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, लेकिन डेटा स्टोरेज ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं होता है। यही है ना, नॉर्मलाइजेशन में डेटा स्टोरेज ऑप्टिमली यूटिलाइज होता है क्योंकि डेटा रिडंडेंसी कम है, लेकिन यस सर। क्वेरी परफॉर्मेंस यस थोड़ा यस डिग्रेड होता है। ठीक है, यस समझ में आई चीजें? तो हम लोग कहाँ थे यस वैसे? सर। हम लोग भटक गए थोड़ा। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन बोलो। यूज केसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंच गए नॉर्मलाइजेशन? और सर फ्लैटनिंग का एग्जांपल दिया था मैम। यस, फ्लैटनिंग, एक्सप्लोड। ठीक है, तो एक्सप्लोर जब कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो प्रियंका, बताओ? वी आर कन्वर्टिंग द मीन्स देर विल बी अ कॉलम ऑफ एरे ऑफ एरे और एरे ऑफ लिस्ट, मीन्स कॉलम्स आर इंसर्टेड इनटू द कॉलम्स, सो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दोस कॉलम्स, मीन्स कन्वर्टिंग दोस नंबर ऑफ वन कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यस यस, ठीक है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल हो गया। और कोई एग्जांपल्स बताओ मुझे। इसका रिवर्स भी तो है ना, लिस्ट टैग जब करते हो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया। फिर एक्सप्लोड कर रहे हो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लिस्ट टैग भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यूज केस ठीक है, ये अच्छा था, एक्सप्लोड अच्छा था। और क्या बोल सकते हो? ये क्यों कर रहा हूं पता है क्या मैं, ये एक्टिविटी, दिस विल एक्सपैंड एक्सपैंड योर थिंकिंग, एटलीस्ट यू विल नो सर्टन थिंग्स कि ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हो सकते हैं। जब आप इंटरव्यू में बताओगे ना कि दीज वर द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर परफॉर्मिंग, तो उसमें ना आपके बहुत सारे आने चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यू शुड नो कि कौन से टाइप के डेटा के लिए कौन से टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? सर सर यूज ज्वाइन हो गया फ्लैटनिंग कॉलम डेटा। के शॉर्ट फॉर्म्स को फुल फॉर्म से रिप्लेस करना। यस, सॉर्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बोल रहे हो? यस ओके ठीक है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट? ठीक सर। है, क्या पिवोट क्या पिवट पिवोट पिवोट भी हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ठीक है, मतलब एग्रीगेटिंग पिवट डेटा, क्या क्या एग्रीगेटिंग डेटा इन ग्रुप बाय एंड या वो, हाँ
वो तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एग्रीगेट टेबल ही बनाते। ठीक है, ठीक है, चलो इतने सबको समझ में आया क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन बताया सबने? काफी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग के लिए लिस्ट कर दिए है, आपने लिखे होंगे, एक इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं अभी, ठीक है, रिकॉर्डिंग से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो ना, तो ये चीजें बतानी होती है। ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, और डेटा इनरिचमेंट क्या हो सकता है? डेटा इनरिचमेंट देखो, डेटा इनरिचमेंट क्या है बताया गया, यू हैव सर्टेन 10 कॉलम्स, यू हैव सर्टेन बिजनेस यूज केस इन विच यू रिक्वायर सर्टेन न्यू कॉलम्स विच कैन प्रोवाइड यू बेटर इनसाइट्स। ठीक है, तो एक अगर कोई कॉलम है उसको बेटर इंसाइट्स के लिए आप दो में स्प्लिट कर रहे हो, या फिर एक कोई कॉलम है उस पे कुछ चीजें अप्लाई करके उसको बेटर रिप्रेजेंटेड बना रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया एनरिचमेंट। या फिर नया कॉलम भी ऐड कर रहे हो समझो, विच इज एडिंग वैल्यू टू योर डेटा, ठीक है, तो वो हो गया आपका डेटा एनरिचमेंट। ठीक है, ये डेटा स्टैंडर्डाइजेशन बोला, एक डेटा एनरिचमेंट का एग्जाम्पल। डेटा स्टैंडर्डाइजेशन बोला था मैंने, करेंसी को कन्वर्ट करना एक स्टैंडर्डाइज करेंसी में, वेट्स को कन्वर्ट करना एक स्टैंडर्डाइज वेट्स में, ये एनरिचमेंट का ही एग्जाम्पल हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है वो, लेकिन इट इज ऑल्सो एनरिचिंग द डेटा। ठीक है, समझ में आया एनरिचमेंट क्या है? ठीक यस है ना, चलो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म पार्ट। लोडिंग में क्या है, अगर देखो आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया, यू डू नॉट डायरेक्टली लोड इट इनटू टारगेट सिस्टम, ठीक है, यू स्टोर इट इनटू स्टेजिंग एरिया और लैंडिंग जोन, सॉर्ट ऑफ थिंग। लैंडिंग जोन स्टेजिंग एरिया बोलते हैं उसको आप, ठीक है। व्हाई डू यू डू दैट, व्हाट इज इट्स यूज केस, क्यों क्यों करते हो हम लोग, डायरेक्टली लोड क्यों नहीं करते? डेटा स्टेजिंग एक लोडिंग का पार्ट है, अगर इट इज वन ऑफ द स्टेप, मीन्स इट इज यूजफुल इन सम केस, राइट, सम वे इट इज यूजफुल। सो व्हाट व्हाट इज दैट यूटिलिटी, क्या यूजफुलनेस है उसका डेटा स्टेजिंग का? फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा मींस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ तो रॉ पहले ही हो डेटा, रहा है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर रॉ डेटा एक्सेसिंग मोस्ट रिसेंट डेटा सर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मींस स्टेजिंग इज लाइक एट सर्टेन पॉइंट हम स्टेजिंग में रखते हैं एंड देन उसके बाद हम डेटा वेयरहाउस में वो डेटा को लोड कर देते हैं। तो यस एक बार मतलब वो डेटा वेयर हाउस में गया तो मतलब वहां से एक्सेस, मतलब वहां से नहीं एक्सेस करते अपन मोस्ट रिसेंट डेटा। अगर मतलब कि मुझे पिछले 2-3 दिन का ही डेटा चाहिए और एक्सेस करना होता तो वो स्टेजिंग से ही अपन एक्सेस करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉर्मली क्वेरिंग वेयर हाउस से ही होती है। ये सिंपल रीजन है यार, आपने अगर ट्रांसफॉर्म किया है कहीं पे स्टेज में डाल रहे हो डेटा, आपको वैलिडेट को तो करना पड़ेगा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन बराबर हुए या नहीं, तो वैलिडेशन फ्रेमवर्क कहाँ पे लगाओगे? हाँ ये स्टेजिंग पे लगाएंगे सर। एग्जैक्टली, सिंपल था ये, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो उसको, सिंपल है। कोई भी स्टेज में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू वैलिडेट दोस थिंग्स, हाँ यस देन राइट? आफ्टर वैलिडेशन वी विल ट्रांसफर इट टू डेटा वेयर हाउस। यस, अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है विल ट्रांसफर इट, वो कंडीशनल ये होता है, ठीक है, वी शेड्यूल इट इन सच अ वे कि वो वैलिडेशन कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिक लोड होगा, ठीक है, वो उसको ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। वैसे हम ऑर्केस्ट्रेट वर्ड अभी समझ में आता है क्या सबको? नहीं आता है क्या अभी? मतलब एक टाइम फिर खत्म होने के बाद ही दूसरा चालू होगा। क्या क्या? एक द फर्स्ट पाइपलाइन विल बी कंप्लीटेड, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन विल स्टार्ट। यस यस यस, फॉर फर्स्ट पाइपलाइन, नॉट नेसेसरली फर्स्ट टास्क, टास्क डिपेंडेंसी ऑर्केस्ट्रेशन, और पाइपलाइन भी बोल सकते हो, मतलब वही है, कोई भी चीज एक के बाद एक अगर एग्जीक्यूट हो रही है डिपेंडिंग ऑन इट्स रिजल्ट्स, तो उसको ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्या था हमारा? हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है डेटा लोडिंग। तो ये क्या है, देखो, इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग, ओ यार, इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग डेटा इनटू डेस्टिनेशन डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस, ठीक है। इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग, इसको बोलते हैं हम लोग अपसर्ट ऑपरेशन, याद रखो बस, हम लोग ये
जब रेड शिफ्ट करेंगे ना, मैं बताऊंगा उसकी थियोरी, सबसेट ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको अपडेट और इंसर्ट के ऑपरेशन है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग पता है क्या, जनरली जब देखो अभी रेड शिफ्ट में ना आप स्टेजिंग एरिया में डेटा डालते हो, रेड शिफ्ट के स्टेजिंग का यूटिलिटी अलग है। मैंने जो बोला ना आपको वैलिडेशन के लिए, वो क्या है, जब ट्रांसफॉर्म करते हो आप कोई भी सर्विस यूज करके लाइक EMR एंड ब्लू, यू कीप द डेटा इन वन ऑफ द S3 बकेट, ठीक है, एज अ स्टेजिंग वेयर यू वैलिडेट सर्टेन थिंग्स, ठीक है। लेकिन यू ऑल्सो नीड डेटा टू बी स्टोर्ड इन स्टेजिंग टेबल्स इन रेड शिफ्ट ऑल्सो, ठीक है। तो वो स्टेजिंग अलग है, ठीक है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको जो रेड शिफ्ट में हिस्टोरिकल लोड है ना, उसमें आपका इंक्रीमेंटल लोड जो ऐड करना है, उसके लिए दो अलग अलग टेबल लगते हैं, ठीक है। तो वेन विल अंडरस्टैंड रेड शिफ्ट ना, तब हम लोग ये चीज कॉम्प्रहेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो डेटा लोडिंग स्टेजिंग टेबल से डेटा, स्टेजिंग टेबल से डेटा हिस्ट्री टेबल्स में डालना ये होता है, ठीक है, डेटा लोडिंग। तो यू परफॉर्म सर्टेन स्टोर्ड प्रोसीजर एंड ऑल, तो मर्ज वगैरह स्टेटमेंट से आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली इसमें लेफ्ट आउटर जॉइन यूज होता है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएटिंग डेटा निकालना है, ठीक है, कि कौन सा अपडेट हुआ है, इंसर्ट करना है, ठीक है। वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, हम लोग परफॉर्म भी करके देखेंगे थोड़ी चीजें जब रेट आएगा, ठीक है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि अपसेट ऑपरेशन डेटा लोडिंग का पार्ट होता है, ठीक है। एरर हैंडलिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये चीज, यू नीड टू एंश्योर दैट यू आर हैंडलिंग एरर। व्हाई व्हाई जस्ट टेल मी, टू मेंटेन डेटा एक्यूरेसी। हाँ लेकिन क्या मतलब, ऐसे एरर क्या आ सकते हैं कि जिससे आपको नुकसान होगा, व्हाई व्हाई कांट यू इग्नोर दोज एरर्स। अरे भाई डेटा लॉस होगा ना, बिकॉज मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट डेटा, सो एग्जैक्टली अटमोस्ट केयर शुड बी टेकन टू मेंटेन द डेटा एक्यूरेसी, सो वी हैव टू हैंडल दैट। राइट, इफ देयर आर 1000 रिकॉर्ड्स एंड वन बिजनेस यूज केस इज डिपेंडेंट ऑन 500 रिकॉर्ड्स, ठीक है, ठीक है, और वो 500 रिकॉर्ड्स में चार रिकॉर्ड्स कुछ क्या बोल सकते हो, डेटा करप्शन की वजह से लोड नहीं हो रहे समझो, ठीक है। वो 500 में से चार रिकॉर्ड भी अगर आपके फाइनल इनसाइट्स को जो अगर डिस्टॉर्ट करते हैं, दैट इज लॉस, मेकिंग सेंस। तो आपको वो हैंडल करना है, जो भी करप्टेड रिकॉर्ड्स है दैट हैज अ वेरी हाई वैल्यू टू योर फाइनल डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू मेक, ठीक है। तो इसलिए आपको लोडिंग के टाइम पे एरर हैंडलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। चलो अभी इसमें ना काफी टाइम हो गया आज, ठीक है, चलो ETL प्रोसेस फ्लो देखते हैं हम लोग। एक्सट्रैक्शन फेज देखा हमने, क्या क्या था उसमें, डेटा एक्सट्रैक्ट करते थे और चेंज डेटा कैप्चर। तो हाउ डू यू डू इट, तो एक होता है आपको डेटा एक्सट्रैक्शन पहले तो कनेक्ट करना पड़ता है सोर्स सिस्टम से, RDBMS से आप कैसे कनेक्ट करते हो, जनरली कैसे कनेक्ट करते हो, JDBC कनेक्शन होते हैं ना आपके, राइट, और कोई कनेक्शन है क्या, बोलो बोलो, किसी को नहीं पता है क्या, और होते होंगे बहुत सारे कनेक्शन के टाइप, और क्या है बताओ बताओ, ODBC क्या, ODBC, हाँ ODBC वही है यार, सेम ही है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है JDBC ODBC, जावा माइक्रोसॉफ्ट ऐसे डिफरेंस। और कोई कनेक्शन प्रोटोकॉल्स वगैरह है क्या, इफ यू हैव एड इट हियर, ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता है सच, JDBC कनेक्शन ही पता है मुझे भी, ठीक है। तो कनेक्ट टू डेटा सोर्स सिस्टम्स, ठीक है, तो एक वो एक्सट्रैक्शन का पार्ट हो गया कनेक्टिंग, ठीक है, मेकिंग अ कनेक्शन, और आता है डेटा सिलेक्शन। तो यही है आपका लॉजिक जो है चेंज डेटा कैप्चर का, तो वो इस पार्ट का ये होगा। तो यू विल डिफाइन अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द डेटा दैट
यू आर डिसाइडिंग इट टू बी अ इंक्रीमेंटल लोड, ठीक है। तो मेरे जो कंपनी में टेबल्स है, तो हम हमारे तीन ODS है, ऑपरेशनल डेटा सोर्सेस, लाइक माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर है, ओरेकल है, और क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, ओरेकल और MySQL, हाँ ये तीन ऑपरेशनल डेटा सोर्सेज है मेरे। तो हमें ना हर टेबल की फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है, तो उसका इंक्रीमेंटल लोड हैंडलिंग भी अलग है। तो ऐसा है कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि करंट टाइम से 4 घंटे पहले का डेटा हम लोग कंपेयर करेंगे, उसमें जो नए रिकॉर्ड्स है फाइंड मिसिंग करके हम लोग एज ए इंक्रीमेंटल लोड बैच में डालते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें हर कंपनी में हर प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है। सो डेटा सिलेक्शन इट डज डिपेंड्स ऑन योर यूज केसेस, कि आपके डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है एंड हाउ यू आर डिसाइडिंग कि कितना लोड एज ए इंक्रीमेंटल डेली करना है या दिन में बहुत बार करना है। डेली करना है ना, तो एक इजी क्या हो जाता है पता है, कि आपको बैच हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती है, या आप बाद में सीखोगे कि व्हाट इज बैच हैंडलिंग एंड ऑल। तो इंक्रीमेंटल लोड अगर डेली होगा ना, तो सिर्फ आपको डेट फिल्टर लगाना होगा, ठीक है। ये समझ में आ रही है क्या सबको चीजें? आपने प्रोजेक्ट किया है उसमें डेट फिल्टर डेली है ना, इंक्रीमेंटल लोड मतलब डे वाइज नई फाइल आ रही है, राइट? वो कोई यस सर, प्रोजेक्ट किया था ना आपकी यस एयरलाइन का, हाँ सर, हाँ हमने ना? उसमें टाइम स्टैम्प पे ऐड किया था, क्योंकि अगर सेम डे में अगर चेंजेस होते हैं तो फिर टाइम स्टैम्प लेगा वो हिसाब से। हाँ हाँ ना, मतलब डे वाइज इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो। हाँ, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। मतलब बाकी के चैलेंजेस हो गए, लेकिन डेटा एक्सट्रैक्शन में चैलेंज नहीं है, क्योंकि यू कैन डायरेक्टली फिल्टर इट आउट, राइट, बाय सर्टेन कॉलम। लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है, बाकी कुछ अलग क्राइटेरिया है इंक्रीमेंटल लोड के, तो आपको ना वो फिर बैच हैंडलिंग करना पड़ता है। बैच हैंडलिंग मतलब यू नीड टू ट्रैक विच बैचेस हैव बीन लोडेड एंड विच बैचेस आर टू बी लोडेड, विच हैव नॉट बीन लोडेड। तो जो बैचेस लोड नहीं हुए हैं तो वो पिक करेंगे हम लोग, उसको उसको टारगेट में डालेंगे, और इसके कोई बैच ट्रैकर होगा, कोई टेबल होगा जिसमें अपडेट करेंगे कि ये लोड हो गया है अभी। तो ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है बैच हैंडलिंग का। तो अगर आपका लोड इंक्रीमेंटल डेली है, तो ये झमेले में नहीं पड़ना पड़ता है आपको इंक्रीमेंटल हैंडलिंग के, मतलब बैच ट्रैकिंग के। शिवराज कुछ बोलना चाहते हो? बोलो, ये गलती से हो गया क्या? नो सर, ओके, ठीक, ठीक है। ओ, ये हो गया एक्सट्रैक्शन का पार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हम। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है? डेटा मैपिंग आता है। डेटा मैपिंग बाय, व्हाई डू यू नीड डेटा मैपिंग? सोर्स और टारगेट किस स्कीमाज मैप कर रहे हैं, यानी वो देखना पड़ता है आपको, ठीक है। जो आपको डेटा जैसे टारगेट में चाहिए उसके हिसाब से आप उसको स्कीमा इम्पोज करोगे ना, या फिर स्कीमा इम्पोज नहीं करोगे, या फिर टेबल मतलब कॉलम्स ड्रॉप करोगे जो अननेसेसरी है। समझो सोर्स में 50 कॉलम है एंड इन टारगेट यू नीड ओनली 30 कॉलम्स, लेकिन 25 कॉमन, ठीक है। तो इसमें मैपिंग करने की आपको जरूरत पड़ती है ना ट्रांसफॉर्मेशन में से, राइट? क्या हुआ, क्या डिफिकल्ट है इसमें समझ? सर ठीक है, तो डेटा क्लींजिंग तो देखा हमने ट्रांसफॉर्मेशन में। डेटा वैलिडेशन, सबको समझ में आया डेटा वैलिडेशन? व्हाट इज डेटा वैलिडेशन, कैन एनीवन एक्सप्लेन? तो मैं आपको एक अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एक ये है वैलिडेशन फ्रेमवर्क है, आपको अगर जिसको भी क्यूरियोसिटी होगी ना, मेरे इसमें यूज होता है ABC, ABC वैलिडेशन फ्रेमवर्क। अगर आपको किसी को क्यूरियोसिटी है ना, देख लो, अकाउंट बैलेंस ABC कंट्रोल, ठीक है, ये फ्रेमवर्क है, वैलिडेशन फ्रेमवर्क है। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, जब आप बताओगे ना आखिरी में प्रोजेक्ट्स में वगैरह, दिस विल एड एन ऑथेंटिसिटी टू, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए आपको खुद के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैं
क्लास में सिखाने वाला नहीं कि एबीसी फ्रेमवर्क क्या है ये वो, ठीक है, यू शुड जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि ये पॉसिबिलिटी है, एक्सप्लोर दिस थिंग, इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन यू कैन टेल व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपकी एक वैल्यू एडिशन है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो एक डेटा वैलिडेशन क्या होता है बताओ मुझे, क्या होता है डेटा वैलिडेशन? That what since we have performed on the data that will fulfill all the requirements. Yeah. Whatever the transformations that we have performed on the data. That will fulfill all our requirements. Yeah. Okay. हम लोग verify कर रहे हैं कि requirements complete हो रही है। हाँ. Yes. ठीक है। कैसे करते हैं वो ऐसे? जनरली ना एक स्टेज से अगले स्टेज में मूव होता है ना डेटा, इफ इट इज नॉट ड्रॉपिंग द डेटा तो हम लोग ना काउंट काउंट ऑफ रिकॉर्ड से वैलिडेट करते, ठीक है, जनरली। तो एबीसी फ्रेमवर्क में भी वही है। एबीसी फ्रेमवर्क क्या है पता है क्या? अकाउंट बैलेंस एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क ही है। तो अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, सोर्स सिस्टम से डेटा क्वेरी करते हैं, वॉट एवर पैरामीटर्स वी वॉन्ट टू डिफाइन टू कंपेयर, ठीक है, वो सोर्स सिस्टम से एक क्वेरी करते हैं, एक टारगेट सिस्टम से क्वेरी करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि टारगेट ये हिस्ट्री लोड नहीं है ना, हिस्टोरिकल हैंडलिंग नहीं है, मतलब फुल लोड नहीं कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीमेंटल लोड के बारे में बात कर रहे हैं वैलिडेशन के टाइम पे, ठीक है। तो टारगेट सिस्टम और सोर्स सिस्टम से क्वेरी करते हैं हम लोग चीजें जो कंपेरेटिव पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। बैलेंस में क्या होता है, बैलेंस में यू कंपेयर दोज पैरामीटर्स व्हाट यू हैव फेस्ड इन अकाउंट, ठीक है, कंपेयर करते हो और वहां पे ना आप टॉलरेंस डिफाइन करते हो कि कितना टॉलरेंस अलाउड है टू कंसिडर दिस हैज वैलिड डेटा ट्रांसफर। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है? हाँ, तो अगर आपने टॉलरेंस 100% मतलब 0% डिफाइन किया है, मतलब यू वांट एग्जैक्ट सेम काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर काउंट एक आपका पैरामीटर है अकाउंट में, तो बैलेंस में अगर 0% टॉलरेंस दिया है आपने तो यू वांट एग्जैक्ट सेम काउंट ऑफ रिकॉर्ड, अगर आपका टॉलरेंस 1% है सब, तो काउंट ऑफ रिकॉर्ड अगर 1000 है इसमें सोर्स में एंड योर काउंट ऑफ रिकॉर्ड इन टारगेट इज 995, उस केस में भी आप क्या करोगे उसको करेक्ट मतलब मार्क करोगे, वैलिडेशन पॉजिटिव दोगे उसका, ठीक है, क्योंकि 1% पर टॉलरेंस अलाउड है, ठीक है। इट डज डिपेंड्स ऑन यूज केस टू यूज केस, यू मतलब कंपनी अपने हिसाब से टॉलरेंस डिसाइड करती है। लेकिन देखो अगर वो बैलेंस का जो आउटपुट आता है ना, वेदर यू आर कंसिडरिंग इट एज अ सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डेटा ट्रांसफर, तो सक्सेसफुल है तो कंट्रोल में कुछ मतलब नहीं है। अगर वो वैलिडेशन इनवैलिड हो, मतलब क्या बोलते वैलिडेशन अनसक्सेसफुल हो रहा है ना, यू वॉन्ट समवन टू नो अबाउट दिस, तो कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल में डिफाइन करते हैं चीजें ईमेल रिलेटेड, अलर्ट वगैरह कॉन्फिगर करते हैं हम लोग, इफ ये टॉलरेंस अगर ब्रीच हो रहा है किसी भी डैग में या फिर किसी भी टेबल के लिए, तो यू ट्रिगर अ कंट्रोल लाइक ईमेल अलर्ट। समझ में आया ये एबीसी क्या है? मुझे बताना नहीं था ये एज सच, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये चीजें, लेकिन ये एबीसी वैलिडेशन फ्रेमवर्क है, इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर, ठीक है। आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यू विल अंडरस्टैंड इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस ईयर, ठीक है। तो एग्रीगेशन में, एग्रीगेशन क्या हो सकता है? एग्रीगेशन तो अभी किसी ने बताया था, एग्रीगेशन क्या है वो, बेसिकली एग्रीगेट टेबल बना रहे हो फॉर बेटर क्वेरी परफॉर्मेंस, इफ सर्टन थिंग्स बाई कंबाइनिंग टू थ्री टेबल्स यू विच यू रेगुलरली यूज, तो अगर वो आपके रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड के लिए चाहिए तो यू मेक अ एग्रीगेट टेबल एंड क्वेरी द डेटा फ्रॉम इट, वही हो गया एग्रीगेशन, ठीक है। आखिरी हो गया ये लोडिंग फेज, डेटा स्टेजिंग हमने देखा, वो बल्क लोडिंग, बल्क लोडिंग कुछ नहीं है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हम लोग टारगेट सिस्टम में एक साथ लोड करते हैं, ठीक है। पीरियोडिक लोडिंग होता है ना ओएलएपी सिस्टम में, तो उसको सॉर्ट ऑफ जो कॉपी कमांड से लोडिंग करते हैं उसको बल्क लोडिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और
indexing. Indexing is for enhanced query performance in OLAP system. Data retrieval efficient होता है. Indexing का तो ये पता है ना utility. बोलो. To improve the query performance. नहीं नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपको पता है या नहीं इतना ही बताओ बस. हाँ. पता है ना. हाँ उतना ही पता है लेकिन. ठीक है तो Redshift में as such actual indexing नहीं है लेकिन you achieve this type of sort of indexing thing using distribution keys और क्या होती है sort keys होती है उसमें तो उससे आप अचीव करते हो ये sort of optimization. ठीक है और ये आखिरी पॉइंट हो गया पोस्ट लोड वेरिफिकेशन. क्यों करना पड़ता है ये पोस्ट लोड वेरिफिकेशन. सेम ही यार लोड लोड होने के बाद checking the whether the data is loaded successfully or not. Yes. So, मतलब आज का जो डेटा आया है इंक्रीमेंटली उसका काउंट और जो डेटा सोर्स से आया है उसका काउंट मैच हो रहा है या नहीं. ठीक है तो ये हो गया आपका पोस्ट लोड वेरिफिकेशन. आई थिंक आज का तो मेरा इतना ही था. हाँ जस्ट टू लेट यू नो कि व्हाट आर द पॉपुलर ETL टूल्स. ठीक है ये अपाचे का एक निफ़ी है टैलेंट एक टूल है ये सारे ना ऑन प्रेम ETL टूल्स है. ठीक है टैलेंट इन्फॉर्मेटिका तो ये काफी फेमस ETL टूल्स है. ठीक है जस्ट यू शुड नो अबाउट दिस थिंग. लेकिन अभी जो क्लाउड बेस्ड टूल्स है तो क्लाउड बेस्ड सर्विसेस है जो ETL तो उसमें कौन सी आती है बोल सकते हो AWS ग्लू. वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस थिंग्स टैलेंट इन्फॉर्मेटिका बिकॉज ये बहुत कॉस्टली पड़ता है कंपनीज को. अगर उनकी बहुत बड़ी सिस्टम है और ऐसी चीज है कि जो ग्लू और EMR एड्रेस नहीं करता है तो ही वो लोग इन्फॉर्मेटिका पे स्टिक टू है. नहीं तो मेनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर मूविंग अवे फ्रॉम टैलेंट एंड इन्फॉर्मेटिका बिकॉज इट इज कॉस्टिंग देम वेरी वेरी मच. ठीक है EMR है जैसे और क्या है GCP का डेटा प्रॉक है आई थिंक सो मतलब मुझे इतना नहीं पता है वो क्लस्टर बेस्ड सर्विस पता है तो ये सब है एग्जाम्पल क्लाउड बेस्ड सर्विसेस के. ये भी बोल सकते हो अथेना भी बोल सकते हो टू एन एक्सटेंट लेकिन छोड़ दो. और हाँ तो जस्ट आई हैव रिटन दिस ईयर just to let you know guys that there are on-prem ETL tools also. ठीक है talent informatica. ठीक है तो अगर किसी ने इंटरव्यू में पूछा talent आता है क्या आपको informatica आता है क्या तो at least ऐसे नहीं होना चाहिए ये क्या है यार मैंने सुना ही नहीं है. at least you should know कि they are talking about on-prem ETL tools तो उनको बोल सकते हो I have worked on cloud services cloud ETL services तो वो बता सकते हो आप एटलीस्ट यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. ठीक है तो अभी देखो हमने कौन सा देखा ETL देखा राइट डेटा प्रोसेसिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सी देखी ETL लेकिन एक ELT स्टाइल है एक, क्या है एक्सट्रैक्ट लोड एंड ट्रांसफॉर्म. जब ये मॉडर्न डेटा वेयर हाउसेस आए ना क्लाउड बेस्ड मॉडर्न डेटा वेयर हाउसेस तो क्या हो गया डेटा वेयर हाउसेस का स्टोरेज चीप हो गया. ठीक है और क्वेरी का कॉस्ट भी काफी कम हो गया. ठीक है तो व्हाट एंड दे आर प्रोवाइडिंग क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम नाउ एनालिटिकल क्लस्टर प्रोवाइड करते हैं वो Redshift वगैरह जैसी ये सर्विसेज मॉडर्न डेटा वेयर हाउसेज दे आर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग विच वर देयर इन स्पार्क बिफोर. ठीक है तो अगर अगर कोई सिक्वल बेस्ड इंजिन आते हैं मार्केट में स्पार्क जिनको आता है वो लोग काफी कम है लेकिन SQL जिनको आता है वो लोग मार्केट में काफी ज्यादा है. तो ऑर्गेनाइजेशन टू अडैप्ट टू सर्टेन सिस्टम्स विच आर SQL बेस्ड क्योंकि SQL बहुत पुराना है. ठीक है तो रिसोर्सेज भी स्किल्ड रिसोर्सेज भी रेडिली अवेलेबल होते हैं. ठीक है तो जनरली टिल 2015 16 17 तक ETL बहुत ज्यादा बूम में था स्पार्क वगैरह काफी ज्यादा बूम में था मतलब अभी भी है ऐसा नहीं है लेकिन जब मॉडर्न डेटा वेयर हाउसेस आए ना तो काफी कंपनीज ने फिर ये आर्किटेक्चरल स्टाइल अडॉप्ट करना शुरू कर दिया ELT. व्हाट दे डू इज दे डू डंप द डेटा इन S3. ठीक है उसके बाद कॉपी कमांड से डेटा Redshift में डालते हैं
रेडशिफ्ट में ट्रांसफॉर्मेशन से एंड दे मेक इट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन फ्रॉम रेडशिफ्ट से. तो एक्सट्रैक्ट लोड एंड ट्रांसफॉर्म देन ट्रांसफॉर्म. यू आर लोडिंग द डेटा इन टू वेयर हाउस देन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, समझ में आया ये? Yes. ठीक है, तो ये नई चीज क्या है? नई चीज मैंने लिखी है ETLD. ETLD क्या है पता है क्या? ये बहुत ज्यादा न्यू सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल है, काफी बूम है अभी. ठीक है, क्योंकि सबको लगता है कि ELT में ना आपको वेयर हाउस में जाके बहुत सारी क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है. वी वॉन्ट टू अवॉइड दैट. तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है पता है क्या? एक्सट्रैक्ट देन डू स्मॉल ट्रांसफॉर्म्स. स्मॉल ट्रांसफॉर्म्स यूजिंग स्पार्क. ठीक है, ये स्मॉल टी हो गया आपका. नॉट नेसेसरली यूजिंग स्पार्क, लेकिन मेरे इसमें स्पार्क यूज हो रहा है इसलिए मैंने ऐसे इंस्टिंक्टिवली बोल दिया. जो भी आपके आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करते हो आप. ठीक है, बाद में लोड इन टू वेयर हाउस. ठीक है, एक्सक्यूज मी. हाँ, और उसके उसके बाद फिर से ट्रांसफॉर्म. मतलब ये ETL और ELT को कंबाइन करके ETLT बना रहे हैं, राइट? मेरे प्रोजेक्ट में भी सॉर्ट ऑफ ये आर्किटेक्चर अभी यूज हो रहा है. ETLT सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल. हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं स्कूप से. उसके बाद मेरा जो काम है अभी वाला, जो मेरी क्या बोलते हो ट्रैक है, स्पार्क RS अपलोड का ट्रैक है मेरा, तो वो ट्रांसफॉर्म का पार्ट है स्मॉल टी वाला. ठीक है, उसके बाद लोड का भी मेरे इसमें ही है ट्रैक में, स्पार्क RS अपलोड में लोड भी है. ये वाला पार्ट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है काम करना, ट्रांसफॉर्म का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो ETLT मेरे इसमें है. तो दीज आर सर्टन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट आर देयर. आपको लग रहा होगा हमने ETL पढ़ा, ELT कब देखेंगे? हम लोग देखेंगे वो रेड शिफ्ट के टाइम पे. ठीक है, तो उस टाइम पे वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा उसको. ठीक है, अभी ETL क्यों जरूरी है? क्योंकि कल से हम लोग ग्लू पढ़ने वाले. मेकिंग सेंस? और ETLT कब पढ़ेंगे हम, क्या लगता है कब पढ़ेंगे ETL? कभी नहीं पढ़ेंगे. वो तो बहुत सिंपल चीज है, आपको अगर ETL और ELT आता है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज ETLT. अभी बता दिया मैंने बस. ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा न्यूआंसेस नहीं है. और एक मैंने ना एक आर्टिकल डाला था ग्रुप पे. ठीक है, तो हैकर नून करके एक शायद पब्लिशिंग ये है, वेबसाइट है, तो वो ना बहुत अच्छा आर्टिकल डालता है डेटा प्रोसेसिंग के रिलेटेड. पढ़ लिया करो, बहुत यूजफुल होता है इंटरव्यू में या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो. तो ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, योर मैनेजर डिस्कसेस सर्टेन आइडियाज विद यू, उस टाइम पे ना ब्लैंक रहने से अच्छा है एटलीस्ट यू शुड नो सर्टेन थिंग्स. ठीक है, सो स्टार्ट रीडिंग सर्टेन थिंग्स. ठीक है, डेटा रिलेटेड जब भी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ना है, कभी भी टाइम मिलता है यू शुड नो न्यू थिंग्स. कि डिस्कशन के लिए आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, यू शुड एड वैल्यू टू सर्टेन कॉन्वर्सेशन. ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए. हमारा 1.5 घंटा खत्म हो रहा है अभी और मेरा कॉन्टेंट भी खत्म हो गया आज का, जितना प्लान किया था. तो कोई क्वेश्चन, कोई इश्यूज, कोई डाउट्स बताओ अभी, वी हैव 2-3 मिनट्स. स्पीड ठीक है हमारी? यस सर. ओके, यस सर. हमने काफी स्लो डाउन किया है वैसे. वैसे तो मैंने ऐसे सोचा था कि आज एक ब्लू का ओवरव्यू दे दूं, लेकिन हुआ नहीं है क्योंकि हमने ये चीजें काफी स्लोली कवर की. ठीक है, कल से हम लोग ब्लू स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आप भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं रोज इतना ये नहीं बोल सकता हूँ आपको कि ये हुआ या नहीं, ये आपने किया या नहीं. क्या होगा पता है क्या, हम लोग आगे चले जाएंगे ना, जो पीछे छूट गए ना वो पीछे ही रह जाएंगे. दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आगे वाली थिंग्स. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज की चीजें आज कवर करो. पिछली छूट गई है, ठीक है, वो हो जाएगी आगे, लेकिन अब भी वो क्या बोलते हो,
ज्यादा सेचुरेट मत होने दो चीजों को, या फिर ज्यादा फाइल मत होने दो लोड, ठीक है? वो डाउट्स पूछो, कुछ है डाउट्स? नहीं, ठीक है, एंड हेलो कर। यस बोलो। यस सर, इन द फ्यूचर विल ईटी एलटी विल बी रिप्लेसिंग ईएलटी? ऐसे तो यार मैं कैसे बताऊँ ये चीज। अच्छा ईटीएल अच्छा मतलब देखो, क्यों कैसे कैसे बोल सकते हो ईटीएल, क्योंकि मॉडर्न वेयर हाउसेज आर प्रोवाइडिंग बेटर प्रोसेसिंग पावर एंड कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, ठीक है? ऐसा नहीं है जो एग्जिस्टिंग चीजें ही एग्जिस्टिंग चीजों को रिप्लेस करेगी, ऐसा नहीं। और कोई आर्किटेक्चरल स्टाइल इनोवेट होगा। जैसे ना अभी मेरे मैनेजर मेरे साथ डिस्कस कर रहा था एक दिन, डीबीटी करके टूल है, डेटा बिल्ड टूल। तो एक फिशटाउन एनालिटिक्स करके कंपनी है यूएस बेस्ड, तो उन्होंने अपने यूज केस के लिए एक डीबीटी करके टूल बनाया बनाया, ठीक है? और उनको लगा कि ये ट्रांसफॉर्म के लिए बहुत अच्छा टूल है, ठीक है? तो उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया उसको। तो एक डीबीटी करके टूल जो है ना, वो आपके ट्रांसफॉर्म को बहुत ज्यादा इजी बना देता है। तो आगे जाके क्या होगा पता है क्या? आर्किटेक्चर स्लाइड स्टाइल्स बहुत ज्यादा इजियर होती जाएगी। जो यूजर बनाएगा ना ट्रांसफॉर्म्स या फिर पाइपलाइन, बहुत ज्यादा सॉर्ट ऑफ कैसे बोल सकते हो, कोडिंग डिपेंडेंट ज्यादा नहीं रहेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें। डेटा बिल्ड टूल में भी वही है। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर डेटा बिल्ड टूल तो यू कैन डू दैट डीबीटी करके। थोड़े वीडियोस वगैरह देख लो, किसी को इंटरेस्ट होगा तो, ठीक है? तो ऐसे तो बोल नहीं सकते क्या चीज किसको रिप्लेस कर रही है। ऐसे तो पुरानी चीज आगे आ सकती है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ईटीएलटी भी वही है ना, सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म आ ही गया। डायरेक्टली लोड कर रहे थे हम लोग ट्रांस, और बाद में हमें समझ में आया कि बेसिक ट्रांसफॉर्म करके लोड करने से हमें फायदा होता है, तो ईटीएलटी आ गया। यू नेवर नो व्हाट व्हाट लाइज अहेड इन फ्यूचर, ठीक है? देर विल बी न्यू इनोवेशन दैट विल हैपन, जिसकी वजह से ये सारे आर्किटेक्चरल साइट रिडंडेंट हो जाएंगे आगे, ठीक है? क्योंकि सर यू वो हैकरनॉन पे ही है, मतलब एक आर्टिकल जिसपे क्या लिखा है बोल रहे? कि ईएलटी इज डेड एंड ईटीएलटी विल बी द फ्यूचर ऑफ यस। डेटा आर्किटेक्चर। तो ईएल आपने क्या पूछा? ईएलटी मतलब रिप्लेस करेगा क्या, मतलब ईटीएलटी रिप्लेस करेगा क्या ईएलटी को, ये पूछ रहा। आपने ईटीएल बोला था, मुझे लगा कि ईटीएल नहीं बोला है। सर, ईटीएलटी यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेगा, कर रहा है, मेरे प्रोजेक्ट में आ गया है मतलब। ओके हाँ क्यों नहीं करेगा, नेसेसरी नहीं है। यूज केस टू यूज केस, इतना सक्सेस कितना है इसका, इस आर्किटेक्चरल स्टाइल का, उस पर डिपेंड करता है। और कोई भी चीजों को रिप्लेस करने में टाइम लगता है। आज भी लोग ईएलटी यूज ईटीएल यूज कर ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि ईएलटी आ गया तो सबने ईएलटी अडॉप्ट कर लिया, ईटीएलटी आ गया तो सबने ईटीएलटी अडॉप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। मार्केट इतने जल्दी रिप्लेस नहीं होता है। जो लेगेसी सिस्टम्स है उसके कुछ चैलेंजेस होते हैं माइग्रेट करने के, तो वो लोग इतने जल्दी अडॉप्ट नहीं करते अनटिल अनलेस इट इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है? उनको अगर यस बहुत सर, ज्यादा, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग इतनी इजी नहीं होती है, ठीक है? बहुत ज्यादा कंसल्टेशन होता है, कंसेंसस बनता नहीं है इन चीजों पे, ठीक है? हाँ, यस सर, और कोई डाउट? कोई, ये हो गया हमारा टाइम वैसे, ठीक है? चलो कल मिलते हैं फिर। तुझे हाँ सर सीनियर्स लोग चलो सर, बहुत सर बहुत उसका फोन करते हैं कॉम्पिटिशन सर विवेक दिसाई सर, के। क्या 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 सर, आप कल जो आपने बताया था सर, हाँ, तो यस, उस यूनिक तो नाम कैसे चेंज करना एंड ऑल बताया था ना सर। तो हाँ, बोलो। हाँ, एक्चुअली मैंने चैट जीपीटी पे सर्च किया था, तो उसने बताया था कि यूनिक नाम ले लो या टाइम स्टैम्प ले लो बोल के बोला था सर उसने। कैसे कैसे करके देखा आपने? हाँ सर, करके देखा है शेयर जो करो। हम ठीक है सर। हाँ अथेना वाला ही बोल रहे हो ना फाइल का नाम? सर, अथेना वाला ही बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली ना वो अभी कंसोल पे नहीं, एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेके रखा था सर मैंने का एडिट वगैरह करके, तो एक ही सेकंड दे सर, अभी दे दिखा देता हूँ। अरे क्या किया था वो, कैसे समझ में आएगा स्क्रीनशॉट से? बताऊंगा सर, एक ही इसको ना यस।
डेट पे क्लिक करो। यस सर। सर ये है सर। सर एक्चुअली मैंने जब ये नॉर्मल किया है सर, जो 1813 पे जो किया है ना सर टाइमिंग, तो वो नॉर्मल किया था सर, जिसमें मैंने टाइम स्टैम्प वगैरह नहीं लगाया था अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। तो उसने बोला था कि टाइम स्टैम्प लगा दो। जब मैंने टाइम स्टैम्प लगाया था तो 1825 पे मैंने लगाया था, लेकिन फिर भी नेम मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे यूनिक नेम आ रहा है। लाइक यूनिक तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें कैसे डिफाइन डिजायरेबल कंट्रोल्ड कैसे नेम नहीं डिसाइड आ रहा। करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है यस था सर। यस यस। और कोई है जिसको पता है ये चीज बताओ। अभी मैं मेरे अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है, तो हाँ सर, इस नेम ये वर्क एक अराउंड नेम ना सर, ये खुद ऑटो से हर जनरेट एक करता बार है नया क्वेरी नया नेम। नेम खुद से जनरेट करता है बोल के बोला था सर उसने। तो ठीक है ठीक है इसके लिए एग्जैक्ट। इसका एडिटिंग मुझे नहीं होता बोलने है। दो तुम अभी। अगर यूनिक यस आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प लगा दो बोल के बोला था सर उसने। टाइम स्टैम्प से क्या होगा? पता नहीं सर, उसने ही बोला था। नहीं 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 सर फिर भी नहीं होता। वो आई विल टेल यू वन वर्क अराउंड। ठीक है इसका क्या है, अनशेयर करो स्क्रीन। ठीक है मैं ओके बताता हूँ। सर। हाँ तो क्या है बताए क्या, मैंने ये एक्सरसाइज आपको दी क्यों थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं पॉसिबल है रिनेम करना। ठीक है अगर ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है, ठीक है आई वॉन्टेड कि यू गाइस टू एक्सप्लोर। अगर कोई कोई सोल्यूशन से आता है, कोई नया आइडिया लेके आता है, आई वॉन्टेड दैट। ठीक है किसी ने लाया है क्या वैसा आइडिया, अदरवाइज आई कैन टेल यू वन वर्क अराउंड। हाँ सर ने किया है मैंने बोटो 3 से। हाँ नहीं, बोटो 3 से तो हो जाएगा, वो तो हो उस जाएगा यार। वो तो फाइल डेस्टिनेशन फाइल पाथ तो हम लोग खुद डिसाइड करते हैं उसमें, हाँ सर वो उससे मुझे। क्या है हाँ सर। वो हो जाएगा, कंसोल से बोल रहा हूँ मैं, वो तो हो जाएगा। उसमें क्या है, आप टारगेट फाइल का नाम आप अपन खुद से डिसाइड करते हो। यू विल डिफाइन इट वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट? यस, बोटो 3 से हो जाएगा। गुड, लेकिन यू हैव ट्राइड इट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी गुड थिंग। ठीक है सदानंद ना, हाँ दिस इज गुड। ठीक है कि आपने बोटो 3 से किया, क्योंकि मैंने बोटो 3 अब तक बताया भी नहीं है क्लास। सो कैसे किया आपने? और पाइथन में कोड किया सर उसका, लाइब्रेरी इंस्टॉल की बोटो 3 नाम की। क्लाइंट बनाया, उस क्वेरी की, बराबर? हाँ सोर्स पाथ दिया, फाइल यस का पाथ और फोल्डर ने और न्यू फोल्डर किया क्या, और उसने सेव किया हर एक। राइट राइट राइट। ठीक है तो अच्छी बात है, आपने खुद से किया, अच्छी बात है। हम लोग लेंगे बोटो 3 आगे, ठीक है, लेकिन जितने लोग कर रहे हैं वो थोड़ा बढ़ जाने दो, ग्रास लोगों का ग्रास्पिंग बढ़ जाने दो, कवर हो जाने दो, उसके बाद हम लोग बोटो 3 लेंगे। लेकिन एक वर्क अराउंड ना, एक वर्क अराउंड मैं बताता हूँ आपको कंसोल से, ठीक है। वॉट यू कैन डू इज, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि कौन सी क्वेरी किस चीज के लिए है, तो जब क्वेरी रन कर रहे हो ना, तो आपकी सेटिंग में जाके क्वेरी लोकेशन चेंज करके, जस्ट मेरे जैसे मेरे इसमें फाइनल आउटपुट है ना, शेयर कर दो स्क्रीन में, कैसे समझ में नहीं आता ये चीज। ठीक है का है, कौन से सर्विस आते हैं ना, व्हाट यू कैन डू इज, आपकी एक क्वेरी है, आप एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करो, सेटिंग में जाओ, क्वेरी लोकेशन चेंज करो, ये फाइनल आउटपुट के आगे क्वेरी का फोल्डर बना दो, क्वेरी का नाम, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इज, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर है, ठीक है। तो ये हम लोग, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक वर्क अराउंड है। सॉल्यूशन क्या है, हम लोग चीजें करेंगे ना वो ऑटोमेशन के लिए करेंगे, वो बोटो 3 से ही करते हैं, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन तो बोटो 3 है, लेकिन अब अगर अभी आपको ऐसा कुछ चाहिए तो यू कैन टाइप क्वेरी नेम, मतलब जो भी नाम देना है उसके अंदर जो भी क्वेरी जानी चाहिए उसका नाम अगर जो भी देना है वो फोल्डर के लिए दे दो, उसके अंदर फिर क्वेरी जाएंगे।
एम आई मेकिंग सेंस, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आएगा? यस सर, यस, ठीक है, तो वो कर सकते हो बस, ठीक है. अभी के लिए आई आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस सोल्यूशन, ठीक है, लेकिन बोटो थ्री का जिसने भी किया है इट इज वेरी गुड, ठीक है. आपको बाकी लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बोटो थ्री क्या है भाई, मुझे नहीं पता है उसने कैसे कर लिया, ठीक है, उसने खुद से इनिशिएटिव लिया, किया है, दैट इज अ गुड थिंग. लेकिन विल बी गोइंग टू विल विल लर्न दैट इन द क्लास ऑल्सो, ठीक है. एस थ्री सॉरी बोटो थ्री करेंगे आप, तो उसमें कुछ नहीं होता है, बेसिकली पाइथन कोड है. बोटो थ्री एक पाइथन की लाइब्रेरी है, यू हैव टू इम्पोर्ट दैट, यू हैव टू क्रिएट अ क्लाइंट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस. वो सर्विसेज के लिए कुछ डिफाइंड फंक्शंस है, बाय यूजिंग दोस फंक्शंस यू यू विल परफॉर्म द एक्शंस ऑन दोस सर्विसेज. तो वो क्लाइंट कैसे बनाते हैं वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाद में. आज के लिए इतना ही, चलो बाय गाइज, हो गया ना आज का? थैंक यू सर, चलो बाय बाय. Thank you, sir.